सरकार ने कह दिया, अखबार में आ गया लिखित ये कि जिसकी सालाना आय 1,80,000 से कम है हरियाणा में, उनके बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो 500 रुपए फीस देंगे, फ्री में नहीं, 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अगर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो सरकार उनको 1,100 रुपए देगी। ये तो उनको मिलेंगे अगर उनके बच्चे जाएंगे तो, और ये उनको देने हैं। अब बताओ आदमी क्या करेगा, देने वाला काम करेगा, मिलने वाला काम करेगा? भाई आदमी का बच्चा अगर गवर्नमेंट में जाता है तो पैसे देगा, और प्राइवेट में जाएगा तो सरकार देगी। बताओ आदमी क्या करेगा, प्राइवेट भेजेगा? अपने घर से 500 क्यों लगाएगा, एक तो सरकारी एक तो प्राइवेट। तो आम जो ये गरीब आदमी अपने बच्चे को कहां भेजेगा? ये देखो कितनी अच्छी चाल है, अगर तुम्हें समझ में आए तो। ये चल रही है सरकार, 1,100 रुपए सरकार कहती है हम भर देंगे आपके बच्चे के, आपको चिंता नहीं करनी। अगर आपने सरकारी में पढ़ाया तो कितने रुपए लेंगे, 500। तो आदमी सोचेगा दो बच्चे हैं, क्यों 1,000 रुपए फूकूं, इससे बढ़िया प्राइवेट भेजूं, सरकार देगी मेरे बच्चे के पैसे, देगी भी सरकार। एक दो साल बाद क्या होगा, सारे सरकारी स्कूल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, बिल्डिंग खाली, एडमिशन जीरो। एक साल दो साल पांच साल बाद क्या होगा, सारे एडमिशन जीरो जीरो जीरो। फिर सरकार दिखाएगी बजट में कि तुम घाटे का नुकसान का सौदा है, सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं जी, बिना बात इन टीचर्स को हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, चपड़ासी रखे हुए हैं, हेडमास्टर है, कोई बेल बजाने वाला है, बच्चा तो कोई आता नहीं। तो कहेंगे काम करो, इसको बेचो, इस प्रॉपर्टी को बेचना स्टार्ट करो, सरकारी प्रॉपर्टी है, हर गांव में सरकारी स्कूल है। आप सोचो कितने स्कूल होंगे भारत में, धीरे धीरे करके अगले आने वाले 5 से 7 साल का भारत ऐसा बता रही हूं मैं, जो होगा देखना तुम्हारे सामने। ये सारे स्कूलों का दाम निकलेगा, दाम इन द सेंस भाई जहां जितने महंगी प्रॉपर्टी है वहां महंगा। अब कौन खरीदेगा पूरे देश की बेल्ट को, जिसके पास पैसा है? तुम और मैं तो नहीं खरीद सकते देश के स्कूल, तो उस देश के पूरे स्कूलों को खरीदने का किसके पास पैसा है? अंबानी और अडानी ये ले लेंगे सरकार से कि जी हम इतने करोड़ रुपए आपको देते हैं सरकारी स्कूलों के बदले, हम डेवलप कर लेंगे। और फिर सरकार एक दो साल बाद कहेगी हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं, हमारे बस की 1,100 रुपए देने नहीं है। अब गरीब आदमी फंस गया, उसका बच्चा उस टाइम तक 7वीं में पहुंच गया, मान लो पहली से स्टार्ट किया था, 5-6 साल दिए पैसे, अब अटका दिया, हम तो नहीं देंगे पैसे, पढ़ाना है पढ़ा लो, तो अनपढ़ रख लो। अब वो बेचारा गया कि वापस सरकारी में जाके देखो तो सरकारी पे तो ताला है, बोर्ड बदला हुआ है, किसके पास है वो बोर्ड? अब अंबानी अडानी प्राइवेट स्कूल है। तो वो जाके फीस पता करेगा तो भैया मैं तो नहीं पढ़ा सकता, वहां से भी गया और वहां की औकात नहीं है, दोनों गए। आने वाले समय में आदमी वो पढ़ा पाएगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। देखते देखते तुम्हारी सारी सुविधाएं सरकार से छीन छीन के किसके पास पहुंचाई जा रही हैं, प्राइवेट। बस तुम्हें समझ में लेट आएगा, जब तक समझ में आएगा फिर चीख चिल्ला लेना, फिर थोड़ी ना कुछ होगा, सरकार वापस थोड़ी ना लेती है किसी भी चीज को, दे दी सो दे दी। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देती हूं, जब मैं जॉब में आई थी ना उस टाइम पर, मैं हमारा पहला बैच था जिनकी पेंशन बंद की गई थी, मैं उसकी खुद जैसे ही मान लो लाइव तुम्हारे सामने एग्जांपल हूं, जिनकी सबसे पहली पेंशन बंद हुई वो हमारा बैच था। हमें समझ ही नहीं आया कि सरकार ने क्या किया, क्योंकि उस टाइम हमारी उम्र थी 20-21 साल, 20-21 साल के बच्चे को थोड़ी ना पेंशन की कीमत पता है। लेकिन अब जब उम्र बढ़ रही है तो समझ में आ रहा है सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया बुढ़ापे का। तुम्हारे माँ बाप अगर किसी के गवर्नमेंट जॉब में थे और अगर वो रिटायर्ड हैं तो तुम्हें इसकी कीमत पता होगी। पता है इसकी कीमत क्या है? किसी के सामने आखिरी सांस तक हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ये है पेंशन की कीमत। आपका बेटा निकम्मा निकले, नालायक निकले, बेटी आपके लिए कुछ ना करे, आपको चिंता ही नहीं, आपकी पेंशन आती है 5-7 हजार रुपए में, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन धोने वाली मिल जाती है, कोई भी एक मेड रख लो 5-10 हजार की खाने वाली। बुढ़ापे में पैसा बचा के करोगे क्या? अगर तुम्हें सरकार से 35 हजार भी मिलते हैं तो तुम अपने ऊपर खर्च करो ना, क्यों किसी के सहारे बैठे रहना। और जिनके पास पैसे होते हैं ना बुढ़ापे में वो प्यारे भी लगते हैं सबको, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो बोझ लगता है, फैक्ट है। तुम्हें अपना चश्मा बनवाना है, तुम्हें क्यों बेटा मेरा चश्मा, क्या जरूरत है बेटे की, तुम्हारे पास पैसे हैं जाओ मार्केट अपना घूमते फिरते जाओ, अपना टहलते हुए चश्मा बनवा लाओ। ये कीमत बुढ़ापे में जाके अकल आती है। हमारे बैच ने कुछ नहीं किया, मुझे भी समझ नहीं थी, अकल ही नहीं थी, लेकिन अब जब एज बढ़ रही है ना और हम देख रहे हैं दुनिया को, तब समझ में आ रहा है कि सबसे कीमती चीज इंसान के पास बुढ़ापे में पेंशन होती है। मेरे खुद के फादर पेंशनर हैं तो हमें दिखता है कि पेंशन की जो वैल्यू है ना वो किसी चीज की नहीं है। इतना रखा पैसा आप यूज नहीं कर पाते, महीने के जब वो 30 हजार आते हैं ना तो आपको लगता है यार मैं तो जब तक जीऊंगा आखिरी सांस तक ये तो आने ही आने हैं, और ये बढ़नी बढ़नी आप फ्री होकर काम करते हैं। लेकिन ये अकल उनको थी जो पेंशन यूज कर रहे थे या बुढ़े थे। पेंशन रोकी किसकी गई? जवानों की, जिनको अकल नहीं थी। हमें थोड़ी ना अकल थी 21 साल में कि पेंशन बंद करने से सर किसी ने कुछ कहा ही नहीं, सरकार ने सीधे कह दिया अब के बाद आगे जो बच्चे आएंगे नौकरियों में उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर हमें अकल होती सारे देश के लोग आवाज उठाते तो ना बंद होती पेंशन। अगर सब भाई किसानों ने क्या किया, इकट्ठे हुए तो क्या कृषि कानून वापस नहीं हुए? हुए ना। तो अकल हो तो आदमी उस टाइम पे सही डिसीजन ले ले। पर आज अब तुम कितनी कोशिश कर लो क्या सरकार पेंशन बहाल कर देगी? नहीं करेगी, मतलब ना के बराबर है। एक आधा राज्य को करे लालच में 1-2 साल में कह दे, पर वैसे नामुमकिन बराबर है। इसीलिए जब चीजें बंद हो रही होती है ना तब जागना होता है कि सरकार गलत कर रही है। अब सरकार स्कूलों की तरफ गलत कर रही है, इसकी अकल 7-8 साल बाद की जनरेशन को आएगी, जब वो देखेंगे कि पढ़ाने के लिए ना तो सरकारी बचेंगे और प्राइवेट मुंह खोल के पैसे मांगेंगे। अब या तो पढ़ा लो या तो अनपढ़ रख लो, फिर फंसेंगे लोग।